वाढत्या तापमानामुळे धुळेकर जनतेला करावा लागतोय मार्च महिन्यातच मे हीटचा सामना। सांगलीतून लोकसभेसाठी 17 उमेदवार सज्ज, भाजपा राष्ट्रवादीने घेतलं नमतं, मात्र काँग्रेस बंडखोर। बुलढाण्यात राष्ट्रवादीच्या कृष्णराव इंगळेंची भव्य प्रचार सभा, शरद पवारांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभा संपन्न। मलाड मधील एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त। आणि आज मिशन लोकसभा मध्ये पीस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयुब यांची मुलाखत। नमस्कार, मी स्वाती गोडसे, टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते। नजर टाकूया आजच्या हेडलाइन्स वर। संपूर्ण देशभरात एकीकडे राजकीय तापमानाचा पारा चढत असतानाच आता सर्वसामान्य जनतेला वाढत्या तापमानाचाही सामना करावा लागत आहे। वाढत्या तापमानामुळे तणावग्रस्त असलेलं वातावरण सध्या धुळ्यात पाहायला मिळतं। यावर्षी मार्च महिन्यातच धुळ्यातील तापमान तब्बल 38 डिग्रीवर पोहोचलंय। यंदा मार्च महिन्यातच धुळ्यातील तापमान तब्बल 38 डिग्रीवर गेलं आहे। गेल्या 3 दिवसांपासून सातत्याने वाढणाऱ्या या तापमानामुळे धुळेकर जनतेला यंदा मार्च महिन्यातच मेहीटचा त्रास सहन करावा लागतोय। उन्हापासून शरीराचं संरक्षण व्हावं यासाठी नागरिक वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करत आहेत। तसंच जीवाची लाही होणाऱ्या या तापमानात शरीराची लाही कमी व्हावी यासाठी शीतपेय व थंड फळांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातोय। दुपारच्या सत्रात पारा अधिकच वाढत असल्याने शहरातील प्रमुख रस्ते व चौक हे निर्मनुष्य होत आहेत। वाढलेल्या तापमानामुळे लहान मुलं व वयोवृद्ध नागरिक सध्या उष्माघाताच्या त्रासाने त्रस्त असून उष्माघातामुळे होणाऱ्या शारीरिक विकारांमध्ये सद्यस्थितीला वाढ झाल्याचं चित्र आहे। अॅक्युपंक्चर या चीनी उपचार पद्धतीचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी कुवेत राजघराण्यातील एरोस्पेस इंजिनियर असलेल्या प्रिन्सेस शिखा एलिया या भारतातील औरंगाबाद मध्ये असलेले डॉक्टर पूभ लोहिया यांच्याकडे आल्या असल्याची माहिती प्रिन्सेस शिखा एलिया यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली आहे। औरंगाबाद इथल्या अजंता अँबॅसेडर हॉटेलमध्ये या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी डॉक्टर पूभ लोहिया यांच्यासोबतच डॉक्टर सचिन व डॉक्टर सारंग लोहिया हे देखील उपस्थित होते। प्रिन्सेस शिखा एलिया यांना चीनमधील डॉक्टरांनीच भारतातील डॉक्टर पूभ लोहिया यांच्याकडे जाऊन अॅक्युपंक्चर शिकण्याचा सल्ला देण्यात आला होता। मुंबईतील मलाड मधील एसएनडीटी महिला महाविद्यालय आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थिनींसाठी प्रसिद्ध आहे, मात्र आता या विद्यालयाच्या कारभारामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं आढळून येत आहे। एसएनडीटी महिला महाविद्यालयात शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थिनींकडून वेळोवेळी प्रत्येक गोष्टीसाठी पैशांची मागणी होत असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे। त्याचबरोबर मुंबईत महाविद्यालयीन परीक्षांच्या घोषणा झाल्या असून 7 एप्रिल पासून परीक्षा सुरू होणार आहेत, मात्र अद्यापही एसएनडीटी महिला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींना परीक्षेचं हॉल तिकीट मिळालेलं नाहीये। हॉल तिकीट मिळण्यास होत असलेला विलंब आणि मध्ये झालेल्या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थिनींमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। आणि आता आपण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेणार आहोत उत्तर मुंबईचे बसपाचे लोकसभेचे उमेदवार अशोक सिंग यांची प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने जो सवाल किया है, इसलिए सवाल किया है कि यहाँ के अभी सांसद 2009 में जो बने थे संजय निरुपम जी हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। आपका प्रश्न उससे रिलेटेड है कि भाई वो उत्तर भारतीय हैं। सबसे पहले तो वो बिहार के रहने वाले हैं और मैं उत्तर प्रदेश जोधपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का दौरा किया हूँ। आज मैं उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब संजय निरुपम जी उत्तर भारतीय इसके पहले थे तो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया उत्तर भारतीयों के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो उत्तर भारतीय थे, सांसद तो थे, तो अभी क्या करना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि आपको अनुभव क्या है, मतलब उनके मुझे आगे आपके अनुभव मुझे, क्या है? मुझे अनुभव इस बात का है कि अभी मैंने हाल में उनका देखा था कि वो रोड पे उतर के अनशन कर रहे थे, ये नखरे दिखा रहे थे। मैं उसको ऐसे साबित करना चाहता हूँ कि जब वो सरकार में है, सत्ता में है, यहाँ के सांसद हैं, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, जब उन्हें किसी के पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ आर्डर देना है, उनको आदेश देना है, उस आदेश का पालन होना चाहिए, तो फिर रोड पे उतरने की जरूरत क्या कहाँ से आई? और उनको अभी कैसे उनको ये चीज मालूम पड़ा कि ये जो लाइट का बिल है वो कम करने की बात आज क्यों सूझी? जब सांसद थे इतने सालों में, 5 साल में उन्होंने क्या किया?
सांगली लोकसभा मतदार संघासाठी 17 उमेदवार रिंगणात आहेत. या मतदार संघातून 10 उमेदवारांनी नाट्यमय माघार घेतली असून भाजपला आपल्या बंडखोरांना रोखण्यात यश आलंय. तर काँग्रेसमधील बंडखोर हाफिज धत्तुरे यांची उमेदवारी कायम राहिल्याने काँग्रेस पक्षासमोरील अडचणीत मात्र वाढच झालीय. सांगली लोकसभा मतदार संघातील बंडखोरांच्या माघारीसाठी राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. दोन्ही पक्षांचा बंडखोरपणा थांबवण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू होते. यासाठी काँग्रेसकडून हर्षवर्धन पाटील, पतंगराव कदम आणि उल्हासदादा पवार यांनी तळ ठोकला होता. यावेळी हाफिज धत्तुरे यांनी माघार घ्यावी यासाठी काँग्रेसच्या या नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न केले, मात्र धत्तुरेंचा संपर्कच होऊ शकला नाही, त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांची शिष्टाई अयशस्वी ठरली. पुण्यातील पिंपरी चिंचवड आणि आकुर्डीत झालेल्या दोन बैठकीत अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांशी साधलेल्या संवादात पवार यांनी तुमचा गावित करण्याची वेळ आणू नका अशी धमकी वजा इशारा आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे. तसंच आपल्या राष्ट्रवादीत मला काँग्रेसप्रमाणे वरती विचारावं लागत नाही किंवा कोणाला उत्तरही द्यावं लागत नाही, मी थेट कारवाई करू शकतो, मात्र तुमच्यावर कारवाई करण्याची वेळ माझ्यावर आणू नका अशी तंबीही अजित पवार यांनी यावेळी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिली आहे. करदात्यांना कर भरणं सोयीचं व्हावं यासाठी आज रविवार असतानाही पुढील सलग 2 दिवस बँका रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. मार्च एंडिंग अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरवर्षी 31 मार्च रोजी बँकेचे ऑडिट तपासण्याच्या कारणामुळे बँकेचे व्यवहार बंद ठेवले जात असल्यामुळे करदात्यांना वेळेच्या आत कर भरता यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. बुलढाणा लोकसभेचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार कृष्णराव इंगळे यांची भव्य प्रचार सभा राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेगाव इथे संपन्न झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामामध्ये जिथे मोठमोठे पक्ष आपला प्रचार करण्यासाठी प्रसिद्ध कलाकार मंडळींना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवत असताना दिसत आहे, तिथेच दुसरीकडे पीस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयुब हे या दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात जोरदार दौरा करताना दिसत आहेत. या संदर्भात आज मिशन लोकसभा या खास मुलाखतींच्या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत डॉक्टर अयुब यांची आमचे मुंबईचे ब्युरो चीफ संतोष सिंग यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत. पीस पार्टी अपने स्थापना के दिन से ही 2008 में बनी है और तभी से समाज के उन कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष कर रही है जो अभी तक शोषित पीड़ित और उपेक्षित हैं. उसमें मुसलमान, अति पिछड़ा औरत, दलित समाज, अगर मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पर भेदभाव हुआ है तो समाज के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के साथ जात के नाम पर भेदभाव हुआ है और दलित वर्ग में अति दलित के साथ उसके साथ भी जात के नाम पर भेदभाव हुआ. तो 75% ये समाज आजादी के बाद से आज तक अभी तक उनको न्याय और इंसाफ नहीं मिला है. पीस पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और हमारा मिशन है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए जिससे मुसलमानों को उनका हक और अधिकार संविधान के अनुरूप मिले. उसी तरीके से केलकर की सिफारिश लागू हो तो अति पिछड़ों और अति दलितों को भी उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक और अधिकार और न्याय मिले. जब तक ये 75% जो शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज है जब तक ये विकसित नहीं होंगे ना तो समाज विकसित होगा और ना तो देश का विकास होगा. तो अल्पसंख्यक वाद का विरोध करती है. मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान मुसलमान है नहीं? उसी तरीके से पीस पार्टी समाज के सभी कमजोर वर्गों के साथ, जिस तरह से एक हिंदू को, जिस तरह से एक पिछड़े को, जिस तरीके से एक दलित को, समाज के सभी वर्गों को सत्ता में आकर के न्याय दिलाने का और सरकार चलाने का अधिकार है, देश का विकास और समाज का विकास करने का अधिकार है, उसी तरीके से इस देश के सभी मुसलमानों को भी यह हक है कि समाज में अगर नाइंसाफी हो रही है, मजहब और जात के नाम पर भेदभाव हो रहा है, कहीं पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, तो मुसलमान आगे आवे और सत्ता में भागीदार होकर के या सत्ता हासिल करके सभी लोगों का इंसाफ दे. तो पीस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों की ही बात करती है और समाज के उन तमाम वर्गों को, जैसे 29% अति पिछड़े समाज की आबादी है, 12% अति दलित समाज की आबादी है, मगर इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है. तो जहां मुसलमान 25% की हिस्सेदारी 1.5% से कम है, तो इनकी आबादी के हिसाब से इस तमाम वर्गों को उनको हक अधिकार दिलाना चाहती है. तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बात का विरोध करती है पीस पार्टी. और पीस पार्टी भारतीय संस्कृति के हिसाब से
मुसलमानों की जो जज्बात हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उसके जरूरतों के हिसाब से उनका विकास करना चाहती है, न कि धार्मिक भावना के आधार पर उनको अलग थलग करना चाहती। विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है पीस पार्टी, यहाँ पर पिछला नगर निकाय का चुनाव, सभासद का चुनाव भी लड़ चुकी है, और हमें इस बार, हम पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ करके पीस पार्टी 4 विधायकों को जिताने में कामयाब हुई और वहां पर 5वीं सबसे बड़ी पार्टी हो गई पहले ही चुनाव में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और कामयाबी हासिल के यहां पर सरकार, जो आने वाली सरकार है, वहां सरकार बनाने में पीस पार्टी की अहम भूमिका हो। महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, इन सभी प्रदेशों में पीस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वहां पर उसका संगठन है, जिस तरह से महाराष्ट्र में पीस पार्टी का संगठन है। हमारे बगल में भाई हनीफ पटेल जी हैं, जो यहां महाराष्ट्र में प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। उसी तरीके से हर जगह हमारा संगठन है। पीस पार्टी कम से कम 245 सीटें लोकसभा की हैं, 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हमें उम्मीद है कि 10 से ज्यादा सीटें जीत करके, पहली बार चुनाव लड़ करके, हम आने वाली जो 2014 की सरकार है, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार मिली जुली होगी और पीस पार्टी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सरकार का हिस्सेदार बनके समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, मुसलमान, अति दलित, अति पिछड़े, जिनको अभी तक हक और इंसाफ आजादी के 67 सालों में नहीं मिला है, उन्हें हक और इंसाफ और उनका अधिकार दिलाने में कामयाब हुआ। ये फैसला किया है कि पीस पार्टी किसी भी हालत में भाजपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ किसी भी हालत में चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद किसी तरीके का संबंध नहीं रखेगी, क्योंकि ये तीनों पार्टियां बिल्कुल एक ही तरीके का फिरका परस्त हैं और मुसलमानों के साथ साथ अति पिछड़े और अति दलित समाज की ये दुश्मन है, इसलिए इनसे किसी तरह का संबंध और किसी तरह का तालमेल नहीं रखेगी। और चुनाव में आने के बाद जो भी विकल्प बनेगा और जो पीस पार्टी के इन मुद्दों पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिश लागू करने की बात करेगा, जो केलकर आयोग की सिफारिश लागू करेगा, जिससे कमजोर हिंदू पिछड़े भाइयों को और दलित भाइयों को जिसको हक अधिकार मिलेगा, उसके साथ पीस पार्टी सकारात्मक भूमिका निभा करके सरकार बनाने की प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी तो मुसलमान का वोट बैंक नहीं है, चूंकि मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं था और समाजवादी पार्टी के बहकावे में और उनके झूठे नारों में पीस पार्टी मुसलमान आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बता दिया है कि जो दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में हुआ है वो कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी की संलिप्तता उसमें है। ये तो मैं ही नहीं कहता, विधानसभा के अंदर भी हमने कहा है कि ये दंगे फसाद, चाहे मुजफ्फरनगर शामली का है या उत्तर प्रदेश में कहीं पर हो, समाजवादी पार्टी ने भाजपा से मिल करके कराए हैं, जिसमें मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दंगे फसाद के नाम पर मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म समाजवादी पार्टी ने किया है। मुसलमान को समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। मुझे लगता है कि अब ऐसे जालिमों पर भरोसा न करके वो पीस पार्टी पर भरोसा करेगा और उसे जीत दिलाएगा, और चूंकि मुसलमानों की वोटों से ये सरकार बनती रही है, मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें विघटन होगा और जितने उसमें सक्रिय लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो पीस पार्टी के साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिले, देश के अन्य प्रदेशों में वो 10 से ज्यादा सीटें जीतने की पहली बार चुनाव लड़के उम्मीद करती है और हम, लगता है कि हम सकारात्मक सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये वेळ झाली थांबण्याची, तुम्ही पाहत आहात टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज, अचूक वेळ खरी गोष्ट। नमस्कार।